एक्सरसाइज चलेगा आपका वन पॉइंट फाइव एक्सरसाइज वन पॉइंट फाइव क्योंकि वन पॉइंट फोर में जो है वो ऐसे नॉर्मली बताने वाला है नहीं आ, उसको हमें बोर्ड पे बताने से नहीं हो पाएगा उसके लिए पटरी प्रकार वगैरह से बहुत अलग तरीके करना पड़ेगा ठीक है तो बेटा सभी एनसीआरटी किताब लिए और मार्कर में स्याही भर लेता हूँ तब तक मार्कर में से आई भर लेता हूं तब तक आप बताओ किताब लिए हो क्वेश्चन नहीं लगाया गया स्क्रीन पे अभी मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा देता हूं तब तक आप लोग एक काम करो विशाल पाल जी बताइए एक काम करो आप लोग मुझे कोई भी दो अपरमीय संख्या बता दो कोई दो अपर संख्या बता दो तब तक मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा देता हूँ थोड़ा सा रुकना मुझे क्वेश्चन स्क्रीन पर लाने में दो मिनट कम से कम लगेगा तो मैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ला रहा हूं थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए जिनके पास किताब नहीं है उनको क्वेश्चन दिखाना जरूरी है hmm. बस दी वन पॉइंट फाइव में कितना प्रश्न है भाई कितना है वेरी गुड वेरी गुड बच्चा वेरी गुड चलो ठीक है भाई मनीष ओके okay. तो बच्चों क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ रहा है और ये आ गया ये आ गया अगड़ वाला क्वेश्चन आ गया ना चलो एक नजर में क्वेश्चन देख लीजिए प्यार से कह रहा कि बताइए नीचे दिए गए संख्याओं में कौन कौन परमीय संख्या है यानी रेफनल है और कौन कौन अपरमीय है? है ना यही बताना ना बेटा कौन रेफनल है और कौन ई है बहुत अच्छे तिरुपति चाचा ने यही नाम है ना आपका हम्म पिंकी यादव ठीक है पांच क्वेश्चन है विशाल पाल बहुत अच्छे भाई विशाल वेरी गुड आ, पिंकी हम्म सही है आपका ठीक है चलो देखिए बच्चों समझिए जो फर्स्ट पार्ट आपका है इसमें का उसे देखो मगर प्यार से कह रहा है कि ये रेफनल है कि इेफनल है देखो बेटा इसमें एक रेफनल है कि रेफनल है ना तो पहला फाइनल में क्या होगा अपरमीय होगा बोलो अपरमीय होगा कि नहीं क्योंकि टू से रूट फाइव तो सब ट्रेक होगा नहीं पूरा पूरा कि कर लो तो ये क्या हो जाएगा अपरमीय होगा जिसे हम लोग इ लिख सकते हैं इेफनल ठीक है बेटा सेकंड पार्ट में आ जाओ नहीं समझ में आएगा तो बता देना सेकंड पार्ट कह रहा है थ्री प्लस अंडर वूड ट्वेंटी थ्री देखो बाबू मैंने आपको बताया अगर आप गलत की संगति करोगे तो आप भी गलत हो जाओगे याद रखना गलत की संगति करोगे तो आप गलत हो जाओगे आप भले अच्छे हो वही हाल यहाँ पर है यहाँ पर हाल ये है कि ये जो नंबर दिए गए हैं वो सभी रेफनल नंबर हैं स्टार्टिंग में लेकिन उनकी संगति गड़बड़ के साथ हो गई है जैसे ये रेफनल है, लेकिन इसकी संगति रेफनल के टोटल हो, हो, हो गया समझ रहे हो ना तो ये भी क्या है अपरमीय संख्या है बेटा क्यों कि नहीं ये परमीय है इसमें कुछ और भी दिया एक मिनट रुको एक मिनट रुको दूसरा में पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने एक मिनट ये जितना मैंने लिखा ये तो अपरमीय है जितना लिखा है ये तो अपरमीय है लेकिन इस क्वेश्चन में और भी कुछ है ध्यान दो ये तो इरेफनल है से हम लिख सकते हैं इरेफनल यानी अपरमीय लेकिन दूसरा क्वेश्चन वास्तव में ये है नहीं आपकी किताब में सेकंड क्वेश्चन ये नहीं है इसमें माइनस में और भी कुछ है थोड़ा रुक जाओ स्क्रीन पर देखो दिख रहा है ना तो बेटा ये तो इरेशनल था लेकिन आप अगर ध्यान दो तो ये इतना है ना इतना है ना अब ये परमीय है जो लोग आंसर मिला रहे हैं उत्तर माला मिलाने वालों पहले क्वेश्चन भी देखो ये कट जाएगा बराबर तीन आएगा आप कह सकते हैं ये क्या है रेफनल है समझ में आया कॉन्सेप्ट समझते चलो ठीक है तीसरा नंबर थर्ड स्क्रीन पर आप सबको दिख रहा है टू इंटू रूट सेवन अपान सेवन इंटू अंडर रूट सेवन देखो बेटा इसमें क्या है ये रेफनल है कि रेफनल है बोलो सभी बच्चे पहले बोलो यस ये रेफनल है कि रेफनल है जल्दी जवाब दो मैं सामने से ये छुप जा रहा हूं साइड में चलो बताओ ठीक है भाई किशन बहुत अच्छे वेरी गुड वेरी गुड बच्चे वेरी गुड आप लोग क्लास को शेयर वेयर नहीं कर रहे हो क्या हम्म चंदन सिद्धार्थ आरती कुमारी अक्षय अच्छा यादव राम किशोर कश्यप विशाल पाल किशन सिंह परो पढ़ाई कर लो पहले बच्चा ठीक है ये रेफनल नंबर है बेटा ये क्या है रेफनल है ये परमीय संख्या है ये अपरमीय नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि भैया इसमें रूट सात रूट सात कट जाएगा तो ये दो बटा सात आएगा जो कि पी अपान क्यू का फॉर्म है क्या है ये पी अपान क्यू का फॉर्म है ये रेशनल है फोर नंबर पार्ट में आ जाओ ऊपर फोर नंबर पार्ट में आ जाओ बेटा वन अपान रूट टू लिखा है क्या हा वन अपान रूट टू ये बताओ रेशनल है कि इरेशनल है हुँ? बोलो ना देखो भैया इसका वर्गमूल तो एक पूर्ण संख्या होगी नहीं यानी ये रूट जो दो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है हम कह सकते हैं कि ये पी अपान क्यू के बराबर नहीं है सो वन अपान रूट टू इज इनल इनल नंबर हिंदी में लिख सकते हैं वन अपान रूट टू एक अपरमीय संख्या है क्या है बाबू अपर में संख्या है इसका फाइव नंबर पार्ट देखो फाइव नंबर पार्ट देखो फाइव नंबर में कह रहा है टू और पाई क्या कह रहा है टू पाई आ? टू और पाई भाई पाई का मान क्या हो सकता है आपको मैंने बताया था ना कि अगर आप गलत की संगति करोगे तो आप गलत हो जाओगे पक्का है सही नहीं होगी तो ये पाई पहले से ही रेफनल नंबर है ये रेफनल तो है नहीं तो ये फाइनल में इेफनल यानी अपरमीय हो जाएगा अपरमीय हो जाएगा जैसे आप देखे हो कि नहीं अगर आप दूध में कीचड़ मिला दो तो कीचड़ दूध नहीं बनेगा लेकिन दूध कीचड़ जरूर बन जाएगा समझ रहे हो ना तो जब अच्छाइयाँ के साथ बुराइयां मिलती हैं ना तो बुराइयां दिखने लगती हैं अच्छाइयाँ खो जाती हैं जैसे कोई लड़का बहुत अच्छा है पढ़ने लिखने बहुत सीधा साधा है शांत स्वभाव का है बहुत अच्छा है उसका स्वभाव सबसे अच्छा है लेकिन अगर वो परीक्षा में फेल हो गया या नंबर नहीं पाया जीरो पा गया तो उसमें क्या बुराइयां मिल गई फिर उसकी अच्छाया कोई नहीं याद करेगा कहेगा ये बेवकूफ पढता उड़ता नहीं ना लायक। तो वैसे क्या है जब अपरमीय संख्या का कहीं भी इसमें जोड़ना घटाना गुड़ा भाग होता है तो सारी संख्याएं अपरमीय हो जाती हैं ठीक है लिख लीजिए आगे बढ़ते हैं ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन सेकंड नंबर पे आ जाओ सेकंड नंबर पे आ जाओ भैया सेकंड नंबर पे दूसरा क्वेश्चन कह रहा प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए बेटा कितने लोग हल कर लेंगे इन्हो हम्म hmm? दिख रहा है ना आपको कितने लोग हल कर लेंगे बोलो बताओ कितने लोग कर लेंगे कह रहा है इनको प्रत्येक व्यंजनों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए यानी हल कीजिए उम्मीद है क्वेश्चन इतना छोटा दिखाना बहुत अच्छा है दिख रहा है आइए पहला पार्ट आजमाते हैं फर्स्ट पार्ट आप लोग लिखो देखो बाबू पहला क्या है यहां दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर स्वंड का पहला पार्ट थ्री प्लस अंडर रूट थ्री इन टू टू प्लस रूट टू देखो बेटा एक चीज समझो ए प्लस बी और ये भी आपका ए सी प्लस डी बन रहा है ना हम्म बन रहा है ना अब ये मत कहना ए प्लस बी ए प्लस सी नहीं ए प्लस बी और ये सी प्लस डी बन रहा है यानी ये भी एकदम अलग अलग है यहां से समझो c प्लस डी इसमें आपने कुछ देखा होगा अगर ये होता है तो क्या बन जाता है कुछ बनता है करके देखो और बताओ मुझे करके देखो और मुझे बताओ इसका कोई सूत्र बन रहा है क्या हम्म इसका एक फार्मूला बनता है वो क्या बनता है पता है तुम्हें? ए इंटू सी प्लस डी प्लस बी इंटू सी प्लस डी ये होता है आप लिखो इसका एक फार्मूला होता है ए इंटू सी प्लस डी और फिर बीच में क्या करोगे प्लस लगाओगे बी इंटू सी प्लस डी ठीक है ये सूत्र होता है ये सूत्र होता है, बेटा ठीक है मान रख दो ए मान तीन है यहां तो तुम्हें दिख ही रहा है सी प्लस डी सी मान दो है और डी मान रूट दो है प्लस बी का मान यहां से ले लो रूट तीन और सी प्लस डी सी मान दो और डी मान रूट दो ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को नहीं ना मल्टीपल कर लो फटाफट तीन दूना छः और प्लस तीन इंटू अंडर रूट दो प्लस दो रूट तीन और प्लस ये गुणा करोगे रूट तीन का रूट दो में तो रूट छः हो जाएगा बचवा रूट छः ये आंसर हो गया तुम्हारा लिख लो इसमें कोई डाउट है तो बता देना टेंशन मत लेना बिल्कुल भी लिख लो फटाफट हाई स्कूल वाली क्लास इसी टाइम चलाया जाए शाम को सात बजे क्या मुझे लग रहा है इस टाइम पे हाई स्कूल वाली सही रहेगा क्योंकि नाइन्थ वाले सारे बच्चे टेंथ में आ गए होंगे अब ना हम्म नाइन्थ वाले सारे बच्चे टेंथ में आ गए तो मुझे लग रहा है हमारे जो टीम थे पिछले क्लास के वो सब इसी में आ गए है ना क्यों भैया नाइन्थ वाले सब टेंथ में आ गए हो ना एक बार बोलो हाँ या नहीं दिलीप कुमार बेटा आएगा अगर टाइम दोगे तब टाइम दोगे तो आएगा देखो सेकंड पार्ट देखो सेकंड पार्ट कह रहा थ्री प्लस रूट थ्री और थ्री माइनस रूट थ्री थ्री प्लस रूट थ्री और थ्री माइनस रूट थ्री चलो इनको करो कैसे होगा देखो समझो यहाँ पर सुधांशु को ब्लॉक करिए फटाफट ब्लॉक करिए इसे ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी देखो बेटा ये फार्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है ना तो ए की जगह पे तीन है और माइनस बी की जगह पर रूट तीन है फाइनल में हो जाएगा नौ माइनस तीन बराबर छः ठीक है हो गया कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट है तो बता दो अगर कोई टेंशन है तो बोलो नहीं ना आगे बढ़ा जाए चलिए लिखते चलिए लिखते चलिए कोई दिक्कत नहीं अगला इसका थर्ड पार्ट कितने लोग कर लेंगे बोलो एक बार यस दूसरा का थर्ड पार्ट कितने बच्चे कर लेंगे बोलो हाँ या नहीं देखो बेटा बहुत आसान है ना थर्ड वाला है ना आसान कि नहीं कर लोगे कि ना कर पाओगे भैया तीसरा पार्ट देखो स्क्रीन पे देखो क्या है आ, समझो अंडर रूट पांच और अंडर रूट दो का होल स्क्वायर यही दिया है ना तुम्हें यही दिया है ना क्या करेंगे सूत्र लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर ना ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन टू ए बी लगा दो चलो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन टू ए बी क्लियर तो देखो बेटा ए की जगह पर रूट पांच और बी की जगह पर रूट दो प्लस टू ए बी ए की जगह पर रूट पांच और बी की जगह पर रूट दो फाइनल में ये हो जाएगा पांच धन दो और धन ये आपका पांच गुना दस हो जाएगा दस इंटू अंडर रूट दो मतलब दो पहले रहेगा ये पांच दो जुड़ जाएगा सात सेवन प्लस टू रूट टेन ये आंसर हो जाएगा इसमें और कुछ नहीं हो सकता है ठीक है शशि कुमार साइड में ही तो खड़ा हूं भैया मैं बीच बीच में साइड होता रहता हूं टेंशन मत लो तुम बिल्कुल भी चलो लिख लो जल्दी से आगे बढ़ते हैं आपका ये पार्ट हो गया चलिए इसको मैं मिटाए देता हूँ इधर वाला चलो ठीक है इसको भी मिटा देता हूं फिर अब हो गया क्रेजी मिनाटी खतरनाक हो यार तुम तो भैया हम्म अगला पार्ट कौन कौन कर लेगा देखो ए प्लस बी ए माइनस बी बता रहा है फोर नंबर का आंसर बोलो क्या आएगा फोर नंबर का आंसर क्या आएगा नहीं दो उसमें ऐड नहीं होगा अभी जो कंडीशन बनी थी उसमें दो एड नहीं होगा क्योंकि वो मल्टीपल में है रूट के साथ में और वो अलग है हम्म चलो स्क्रीन शाट ले लिया करो आप लोग तुरंत फट से इसका फोर पार्ट कर लेना फोर पार्ट कर लेना हम्म तीसरा क्वेश्चन तीसरा देखो इसमें कुछ समझाना है बस देखो क्या कह रहा समझो कह रहा आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि यानी मान लीजिए सी उसके ब्यास मान लीजिए डी के अनुपात से प्रभाषित किया जाता है अर्थात पाई बराबर सी डी यह तथ्य का प्रतीत होता है कौन से तथ्य का कह रहा है इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरमीय है अतः इस अंतर विरोध का निर्धारण आप किस प्रकार करेंगे एक अजीब टाइप की कहानी है ना अजीब टाइप का है ना बेटा ये समझेंगे देखो जिनको इंक्वायरी करना नीचे नंबर चल रहे हैं उन पर संपर्क करिए नीचे नंबर चल रहे हैं उन पर संपर्क करिए इंक्वायरी करिए सब बताएंगे कौन क्लास क्या है चलिए सुनिए देखिए पाई इक्वल सी ए पांडी यहाँ पे देखो पाई इक्वल सी पांडी लिखो आप लोग है हमें पता है कह सकते हैं कि सी और डी इस प्रकार है कि सी सीए पांडी का मान निकाले तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आना चाहिए यानी कहने का मतलब जैसे बोल रहा है जिस हिसाब से कि पाई इक्वल सी सीए पांडी है इस हिसाब से अगर हम इसका मान निकालें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आना चाहिए यानी शांत दशमलव प्रसार आना चाहिए लेकिन वास्तव में जब हम सी अपां डी हल करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा इसलिए ये क्या होगी अपरमी संख्या होगी क्या होगी ये अपरमी संख्या होगी यानी कभी भी अगर हम ऐसे सी में डी का भाग करेंगे तो शेषफल जीरो नहीं आएगा कभी भी क्या ऐसा कोई टेबल होता है कि डी पंच हो जाए नहीं होता है ना तो आप नीचे लिख लीजिए क्योंकि पाई इक्वल सी अपॉन डी है तो हम कह सकते हैं कि सी और डी इस प्रकार से हैं कि सी अपॉन डी का मान निकालें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आना चाहिए यानी शांत दशमलव प्रसार आना चाहिए लेकिन वास्तव में जब हम सी अपॉन डी का मान निकालेंगे या हल करेंगे सी अपॉन डी को तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा और इसलिए सिद्ध हो रहा कि पाई क्लसी या पांडी अपरमीय है ठीक है समझ गए ना तो ये इतना कहानी इसमें लिखना है ज्यादा कुछ नहीं है चार नंबर में कह रहा है कि संख्या रेखा पर रूट नाइन पॉइंट थ्री को निरूपित कीजिए भैया कैसे करोगे इसे जरा सोचो एक बार कैसे करोगे सोचो कुछ लोग कह रहे नींद आ रही थोड़ा थोड़ा आ रही सोचो तो कैसे करेंगे ये नंबर नंबर भैया फोर अगला देखिए संख्या रेखा पर निरूपित करना है संख्या रेखा पर इसको लिखने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर कुछ उपकरण चाहिए आपको समझा सके तो मुझे नहीं लगता कि इसको यहाँ बताएंगे संख्या रेखा वाला आप लोग खुद से कर लेना खुद से कर लेना और अगला फिर पांच नंबर क्या है हरों का परमेकरण कीजिए ठीक है सीमा सलोनी का है, बना रही हो फाइव नंबर चलिए बताते हैं ठीक है ठीके? फोर नंबर करना नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा बाद में टेंशन मत लो चलो फाइव नंबर यहां दिख रहा है एक्सरसाइज वन पॉइंट फाइव एन सी आर टी ठीक है ओके okay, डन चलो आकांक्षा पाल क्वेश्चन दिख तो रहा है ना बोर्ड पे देखो ना स्क्रीन पर नीचे कह रहा हर का परिमयीकरण कीजिए इसका फर्स्ट पार्ट है बेटा बाबू वन अपन रूट सेवन वन अपन रूट सेवन न इसको क्या करना है परमयीकरण करना है परमेकरण मतलब क्या बोलते हैं जानते हो इन्हें अरे इंग्लिश में बड़ा अजीब टाइप का बोलते हैं भाई बोलो क्या बोलते है मतलब समझो जो नीचे हर में दिया है ना उसी से नीचे और ऊपर मल्टीपल कर देते हैं इसी को परमयीकरण बोलते हैं अगर नीचे कोई चिन्ह भी लगा है जैसे दूसरे पार्ट में देखो रूट सेवन माइनस रूट सिक्स है ना तो वो जो माइनस का है वो उसे प्लस कर देते हैं बस जो माइनस है उसे क्या करते हैं प्लस कर देते हैं लिखो हर का परमेयीकरण परमेईकरण लिख लो हर का परमेयीकरण तो लिखो वन अपान रूट सेवन इंटू रूट सेवन अपान रूट सेवन अब ये क्या होगा भाई मल्टीपल कर लो ये अंडरवुड सेवन अपान नीचे सेवन आ जाएगा बस परमेयीकरण करने को बोल रहा था ये आंसर हो गया पार्ट देखो दिलीप कुमार बेटा तुम्हें पढ़ना तो है नहीं मुझे लग रहा है तुम्हें नहीं पढ़ना है क्योंकि मैं तुम्हारा कमेंट देख रहा हूँ बहुत देर से बोलो ये कैसे होगा जरा सोचो और बताओ बोलो क्या होगा देखिए बच्चा इसमें नीचे जो है ना वो नंबर में चिन्ह लगा है प्लस माइनस का ना तो जब परमेयीकरण करते हैं ना तो ये को पलट दिया जाता है क्या करते हैं भैया परमेयीकरण करते हैं तो जो हर में रहता है ना उसका चिन्ह पलट करके उससे गुड़ा भाग करते हैं चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ छोटा करके क्वेश्चन आओ देखो यहाँ पे लिखेंगे हल हर कामेकरण करने पर तो अपान अंडर रूट सेवन माइनस रूट छः था ये पहले से आ? तो जो इसमें चिन्ह लगा है नीचे माइनस का इसी का जस्ट उल्टा यानी अंडर रूट सेवन प्लस रूट सिक्स ये चीज आप तुम्हें याद रखना है ये बीच में चिन्ह जो है वो प्लस हो जाएगा बस बाकी वही रहेगा तो फाइनल में बेटा ये रूट सेवन प्लस रूट सिक्स नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी बनता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर मतलब रूट सेवन का स्क्वायर बी का स्क्वायर मतलब रूट छ का स्क्वायर तो ये सेवन माइनस छूट सेवन माइनस रूट छ बटा एक बस यही आंसर आ गया रूट सेवन माइनस रूट छ ठीक है समझ में आया ना लिख लीजिए राम किशोर जी राम राम ठीक है ओके आगे बढ़ा जाए चलो यह हो गया डन लिख लीजिए आप इसका एक पार्ट और बचा है नूट सेवन माइनस रूट टू इसका भी परमयीकरण कर लोगे आप लोग बहुत आसान है बेटा ये ये बहुत आसान है देखो एक पार्ट सिर्फ बचा है बस वन पॉइंट फाइव खत्म पांचों क्वेश्चन खत्म ना हम्म बहुत आसान है ये मैथमेटिक्स जो है कक्षा नौ का बहुत आसान है देखो बचवा यहाँ पे थर्ड अपान रूट सेवन माइनस दो देखो इसमें भी इसी का चिन्ह पलट के गुड़ा करेंगे ऊपर नीचे ठीक है प्लस कर देंगे बस लिखेंगे हर का परमेकरण करने पर ठीक है तो ये हो जाएगा बेटा आपका वन अपान अंडर रूट सेवन प्लस पहले ही तो लिख लो रियल वाला जो है माइनस का टू अब चिन्ह पलट के गुड़ा कर दो ठीक है फाइनल में रूट सेवन प्लस टू ए माइनस बी ए प्लस बी तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी रूट सेवन का स्क्वायर मतलब सेवन और दो का स्क्वायर मतलब चार फाइनल में रूट सेवन माइनस दो अपान तीन ये आंसर आ गया क्यों भाई कुछ गड़बड़ हो गया का इसमें मुझे तो नहीं लगता गड़बड़ हो गया लेकिन आप लोग करके देखो आंसर तो यही आ रहा है ना आंसर मिला लो वन पॉइंट फाइव आंसर मिला आ रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है क्वेश्चन uh, नंबर है, यही आएगा बाकी कुछ हो ही नहीं सकता है आकांक्षा पाल किरण ताइजान पढ़ाई कर लो तुम्हारा नाम ही ऐसे खतरनाक है क्या बोले को ना तुम तो खुदा इतना डेंजरस हो इन्हें ब्लॉक करो भाई नाम बोलने वाले को तुरंत ब्लॉक किया करो जैसे इनको ब्लॉक कर दो वैसे इनका नाम बोल दिया गया चलिए अब ये बताइए कि सभी छात्र इसके पीछे की क्लास देखे हो कि नहीं इसके पीछे की क्लास देखे हो कि नहीं ये आर्डर देने वालों के यहाँ तुरंत हटाया करो जो पढ़ने आए सिर्फ वही पढ़ेंगे बस जो आदेश दे रहे हो मेरा नाम बोलो उनको हटाए यहाँ से बताओ आपका वन पॉइंट फाइव तक खत्म हो गया देखो बच्चों हम ये सोच रहे हैं इसमें कितने बच्चे टेंथ में चले गए हैं बोलो कितने बच्चे टेंथ में चले गए हैं अगर हाँ तो ए लिख कर कमेंट करो और जो टेंथ में ना गया नाइन्थ में है वो नाइन लिखेगा सिर्फ नाइन जो टेंथ में गया ए लिखेगा जो नाइन्थ में है वो नाइन लिखेगा बोलो क्या लगभग सब टेंथ में गए हैं ना तो मुझे लग रहा है शाम सात बजे टेंथ का मैच चलना चाहिए वैसे शाम सात बजे कक्षा दस चलनी चाहिए अब कक्षा नौ नहीं चलनी चाहिए कक्षा नौ के बच्चे बहुत कम होंगे क्योंकि कक्षा आठ के बच्चे मेरे साथ थे नहीं पहले से और कक्षा नौ के बच्चे हमारे साथ पहले से हैं कई हैं हजारों में हैं तो हमें लगता है कि उन्हें टेंथ का चलवाना चाहिए समझ के ना Nine में कुछ बच्चे हैं हाँ नाइन का बैच पूरा हो गया बेटा चैनल पे क्लास पढ़ी है देखते रहो देखते रहो पढ़ते रहो तो आज वन पॉइंट फाइव खत्म हो गया ये क्लास यहीं पे एंड होगी इतना देर तक ही चलेगी